एक ऐसी हीरोइन जिसने अपने भाई के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके पूरे शहर में फिकवा दिए। दोस्तों, इस घटना के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, साउथ एक्ट्रेस स्नाया काटवे आपने नाम सुना होगा। इसकी उम्र है 30 साल। ये फिल्मों में काम करती थी, ये साउथ की फिल्मों में काम करती थी। दोस्तों, इसे एक फिल्म मिली थी, उसमें इसने काम किया था और उसके बाद इसको कोई फिल्म नहीं मिल रही थी, यानी कि किसी भी फिल्म में इसको काम करने का मौका कोई भी नहीं दे रहा था। ये 2 साल से अपने घर पर खाली बैठी हुई थी, कोई काम धंधा नहीं था, कोई फिल्म नहीं थी, कुछ भी नहीं था। साथियों, उसके बाद क्या होता है, और एक बात और बता देना चाहता हूँ, इसका एक भाई था, भाई का नाम था राकेश काटवे और ये अपने परिवार वालों के साथ आराम से रहती थी। और दोस्तों, एक बात और बता देना चाहता हूँ, जब ये शूटिंग पर जाती थी तो अपने घर वालों के पूरे कॉन्टैक्ट में रहती थी, यानी कि कोई भी चीज़ वहाँ पर होती थी उसको घर वालों को बताती थी, यानी कि घर वालों की पूरी निगरानी में यह शूटिंग किया करती थी। लेकिन अब क्या होता है, 2 साल तक इसको कोई फिल्म नहीं मिलती है पहली फिल्म के बाद, और जब दूसरी फिल्म 2 साल बीत जाते हैं तो इसको एक फिल्म ऑफर होती है, उस फिल्म में यह काम करने लगती है और वहाँ पे जाना पड़ता है, इसको रात को भी जाना पड़ता है, दिन को भी जाना पड़ता है, क्योंकि फिल्मों का काम ही ऐसा होता है, रात दिन लगे रहते हैं। उसमें क्या होता है साथियों, उसमें एक लड़के से उसकी मुलाकात होती है, उस लड़के का नाम होता है नियाज अहमद। नियाज अहमद से स्नाया काटवे की मुलाकात होती है और फिर वह नियाज अहमद के साथ बहुत ज़्यादा समय व्यतीत करने लगती है। दोस्तों, वह नियाज अहमद के साथ इतना समय व्यतीत करने लगती है कि उसे नियाज अहमद से प्यार हो जाता है और नियाज अहमद भी उससे प्यार करने लगता है। दोस्तों, स्नाया काटवे फिर अपने घर वालों से कहती है कि मैं नियाज अहमद से शादी करना चाहती हूँ, तो घर वाले मान जाते हैं, लेकिन उसका भाई नहीं मानता है। उसका भाई राकेश काटवे होता है, वो मानता नहीं है और वह अपनी बहन स्नाया काटवे से कहता है कि ये लड़का हमारे धर्म से दूसरे धर्म का है, इससे शादी मत करो, हमारी समाज में थू थू हो जाएगी। लेकिन स्नाया काटवे को तो इश्क का जुनून चढ़ा हुआ था और उसने बोल दिया था कि मैं इसी से शादी करूँगी चाहे जो भी हो जाए। तो यह बात उसके भाई राकेश काटवे को खटक जाती है। घर वाले राजी हो जाते हैं कि ठीक है, तू जहाँ भी शादी करना तू कर ले, लेकिन उसका भाई राकेश काटवे इस शादी के खिलाफ रहता है। दोस्तों, उसके बाद क्या है, उसके बाद स्नाया काटवे नियाज अहमद से मिलकर एक प्लान बनाती है। वह प्लान ऐसा बनाती है कि जिससे कि उसका भाई रास्ते से हट जाए और उन दोनों की शादी हो जाए। तो दोस्तों, फिर क्या था, स्नाया काटवे अपने भाई की डेथ वारंट पर साइन कर देती है, यानी कि भाई को मारने की पूरी स्क्रिप्ट बना लेती है। उसके बाद क्या होता है, उसे फिल्म की प्रमोशन के लिए हुगली जाना पड़ता है और स्नाया काटवे अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए हुगली चली जाती है और उसके घर वाले भी घर पर नहीं होते हैं। पीछे से उसका भाई राकेश काटवे अकेला होता है घर में और फिर साथियों, फिर होता है खूनी माहौल स्टार्ट। फिर जो नियाज अहमद है वह राकेश काटवे के पास आता है और उसके साथ उसके 3 दोस्त भी होते हैं, यानी कि नियाज अहमद अपने 3 दोस्तों को लेकर राकेश काटवे के घर पहुंच जाता है, राकेश काटवे को रास्ते से हटाने के लिए। दोस्तों, घर में राकेश काटवे अकेला होता है और नियाज अहमद अपने 3 दोस्तों के साथ राकेश काटवे के घर पहुंच जाता है और जाकर उससे लड़ाई झगड़ा करने लगता है और फिर वो चारों लोग मिलकर राकेश काटवे की गर्दन को दबाकर उसको मार डालते हैं। दोस्तों, जैसे ही राकेश काटवे मर जाता है तो वो उसके आस में ही, आस पड़ोस में, उसके पास में ही बैठे हुए थे और सोच विचार कर रहे थे। फिर उन्होंने एक प्लान बनाया कि इसकी डेड बॉडी को ठिकाने कैसे लगाया जाए। तो दोस्तों, उन्होंने राकेश काटवे की डेड बॉडी को टुकड़ों में काटा, उसके सर को अलग किया धड़ से और सर को तो फेंकवा दिया जंगलों में और डेड बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके बैग में भरकर पूरे शहर में जगह जगह उसके टुकड़े टुकड़े फेंक दिए। दोस्तों, हुगली की पुलिस को इस बात के बारे में पता चलता है क्योंकि वहाँ की जनता को जब मानव अंगों के टुकड़े मिलते हैं तो जनता परेशान हो जाती है, पुलिस को सूचित करती है। पुलिस उन अंगों को इकट्ठा करके और उसकी पहचान में जुट जाती है, तो उसे धीरे धीरे उसकी पहचान मिल जाती है, पुलिस को पता लग जाता है कि यही राकेश काटवे है और फिर वह राकेश काटवे के घर आती है और उस पुलिस को आस पड़ोसियों से पता चलता है कि राकेश काटवे और उसकी बहन स्नाया काटवे का झगड़ा चलता रहता था।
शादी को लेकर, क्योंकि उसकी बहन शादी करना चाहती थी, वो उस शादी से नाराज था। तो दोस्तों फिर क्या है, पुलिस उसकी बहन सनाया काटवे को उठा लेती है और थोड़े ही पूछताछ के बाद सनाया काटवे मुंह से उगलने लगती है और सारी घटना की सच्चाई बता देती है। दोस्तों पुलिस नियाज अहमद को और उसके तीन दोस्तों को भी गिरफ्तार कर लेती है और उसकी बहन राकेश काटवे की बहन सनाया काटवे को भी गिरफ्तार कर लेती है। फिलहाल वो जेल में है। तो दोस्तों इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? यहाँ पे गलती किसकी थी? क्या राकेश की गलती थी, वो मना कर रहा था अपनी बहन से कि तू दूसरे धर्म के लड़के से शादी मत कर, या फिर बहन की गलती थी कि उसे इसके का जुनून इतना चढ़ गया कि उसने अपने भाई को भी नहीं बख्शा? तो यहाँ पे आप किसकी गलती बताएंगे, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों हमारे चैनल तिरछी बात को भी सब्सक्राइब करें, वहाँ पर ऐसी बहुत सारी सच्ची घटनाओं के ऊपर आधारित प्रोग्राम्स आपको देखने को मिलेंगे अगर आप मेरे चैनल तिरछी बात पर जाएंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल तिरछी बात को सब्सक्राइब करके हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। अगर आपको थोड़े भी हमारे प्रोग्राम अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल तिरछी बात को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा एक सत्यता के ऊपर आधारित घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।